नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी को बड़ा झटका लगा है। पश्चिमी देशों और चीन के बीच जारी होड में दोनों पक्षों से फायदा उठाने की पाकिस्तान की रणनीति औंधे मुंह गिर गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपने बुने जाल में बुरी तरह फंस गया है। अब जल्द ही उसे यह चुनना होगा कि वह चीन का पिछलग्गू बना रहेगा या फिर पश्चिम की उंगलियों पर गधैया नृत्य करेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी जालीदार टोपी के छेद से जल्दी तहमद निकलते नजर आएंगे। खास बात यह कि इसका बीज भी इमरान खान बोकर गए हैं। पहले उन्होंने चीन और अमरीका को साधने की कोशिश की, बाद में अपनी सरकार गिराने का आरोप अमरीका पर मढ़ दिया। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मुल्ला सरकार बनने के बाद उसी अमेरिका की पैठ पाकिस्तान में बढ़ गई है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका ने चीन को चित करने की रणनीति अपना ली है। इस वक्त मदरसा मुल्क IMF के कदमों में पड़ा हुआ है और भीख के लिए गुहार पर गुहार लगा रहा है। IMF ने पाकिस्तान के सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दी है कि अगर उसने उन्हें मान लिया तो फिर चीन का नाराज होना तय है, और अगर शर्त नहीं मानी गई तो उसे IMF से ढेला तक मिलने वाला नहीं है। IMF ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उसे इस संस्था से कर्ज चाहिए तो उसे चीनी कंपनियों के साथ हुआ ऊर्जा समझौते पर फिर से बात करनी होगी। आपको बता दें कि चीनी ऊर्जा कंपनियों के तकरीबन 300 अरब रुपए का भुगतान पाकिस्तान को करना है। IMF चाहता है कि पाकिस्तान चीनी कंपनियों के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा 1994 से 2002 तक की बिजली नीति के तहत उसने कंपनियों के लिए शर्तें तय की थी। गौर तलब है कि चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में बिजली संयंत्रों का निर्माण चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत किया है, जिसकी शर्तें अलग से तय हुई थी। इसमें एक शर्त यह भी शामिल है कि चीनी कंपनियां खुद बिजली तैयार करेगी और पाकिस्तान सरकार को बेचेगी। इस बिजली के दाम वे अपने हिसाब से वसूल करेगी। सरकार उन्हें अपनी आवाम को किस मूल्य पर बेचती है, चीनी कंपनियों को इससे कोई सरोकार नहीं रहेगा। इन कंपनियों की इन्हीं कठोर शर्तों की वजह से पाकिस्तान एशिया में सबसे महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहा है और उसके ऊपर चीनी कंपनियों का भारी भरकम कर्ज हो गया है। उधर चीनी कंपनियों ने उन शर्तों पर फिर से बातचीत की गुजारिश पहले ही ठुकरा दी है। यानी IMF की शर्त से पाकिस्तान के सामने कुआ या खाई में गिरने जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यह हर कोई जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के फैसलों पर अमेरिका का बड़ा प्रभाव रहता है। ताजा शर्त को इसी बात का संकेत समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक मुसीबत के बीच अमेरिका मदरसा मुल्क से चीन का प्रभाव घटाने की रणनीति अपना रहा है। IMF का मानना है कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान से बिजली का अधिक शुल्क वसूल रही है, इसलिए उनसे वे करार की शर्तें फिर से तय करने की जरूरत है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। CPEC यानी CPEC में काम की धीमी गति से चीन पहले नाराज चल रहा है। उसने पाकिस्तान में अपनी परियोजना को खटाई में पड़ता देख यहां से अपना फोकस खत्म कर लिया है और दक्षिण पूर्व एशिया में पैठ बना रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने IMF के दबाव में आकर चीनी कंपनियों पर शर्तों पर फिर से बातचीत को लेकर दबाव बनाया तो इससे चीन और अधिक भड़क जाएगा, जबकि इसी चीन को वह अपना हर वक्त में काम आने वाला दोस्त बताता रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।